खुली हवा में जी भर कर सांस लेना अब मुश्किल होता जा रहा है। पॉल्यूशन ने हमसे ताजी हवा छीन ली है। जब हम इंसानों की जिंदगी को पॉल्यूशन ने इतना प्रभावित किया है तो जरा सोचिए उन समुद्री जीव जंतुओं का क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि अब पॉल्यूशन समुद्र में भी फैलने लगा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है प्लास्टिक। इतिहास और विकास के आज के इस वीडियो में हम बताएंगे समुद्र में प्लास्टिक की समस्या, प्लास्टिक पॉल्यूशन का जीवों पर प्रभाव, क्या है इसका समाधान, प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने के लिए भारत में अभियान। साफ सुथरा और नीला समंदर सभी को खूबसूरत लगता है, लेकिन समुद्र में फैलने वाला प्लास्टिक पॉल्यूशन समुद्र की खूबसूरती को धुंधला कर रहा है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। प्लास्टिक का कचरा छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है जो माइक्रो प्लास्टिक कहलाता है, और ये इतना महीन होता है कि हम इसे देख भी नहीं पाते। ये माइक्रो प्लास्टिक जलीय जीवों के अंदर जाता है और फिर जलीय जीवों के जरिए ये हमारी फूड चेन का हिस्सा भी बन जाता है। समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशन में इस प्लास्टिक कचरे का अंबार लग गया है, जो कि वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए भी मुसीबत बनता जा रहा है। इसी अंबार को द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है। ये हर दिन बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक के कारण हजारों स्ट्रॉबेरी हर्मिट केकड़े कंटेनरों में फंस जाते हैं और हर साल हेंडरसन द्वीप पर मर जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 6561 जांचे गए जलीय जीवों में से 11% ने समुद्री प्लास्टिक के मलबे को निगल लिया था। वहीं समुद्री जीवों पर प्लास्टिक के प्रभाव को लेकर शोधकर्ताओं ने कछुओं पर एक एनालिसिस किया है। कछुए एड्रियाटिक सागर में फैले उच्च स्तर के प्लास्टिक पोल्यूशन के शिकार हो रहे हैं। उन्हें कछुओं के मल में प्लास्टिक का कचरा मिला है। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पानी की बोतलें, कप, बर्तन और किसी भी अन्य प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दें, या मुमकिन हो तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें। अगर आपके आसपास कोई रिसाइकल सेंटर है तो अपने प्लास्टिक को रिसाइकल सेंटर को सौंप दें। मिट्टी के बर्तन जैसे कुल्हड़, कपड़े की थैलियां, कागज के स्ट्रॉ इस प्रॉब्लम से लड़ने में मदद कर सकती हैं। साथ ही ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने की बेहद जरूरत है जो इस समस्या से लड़ने की ओर काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है 27 साल के बोयान स्लॉट द्वारा शुरू की गई कंपनी द ओशन क्लीनर। ये कंपनी ऐसी तकनीकों का आविष्कार कर रही है जो समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे को समुद्री लहरों की मदद से इकट्ठा कर और रिसाइकलिंग के जरिए समुद्री जीवन को बचाने का एक और मौका दे सके। भारत सरकार ने इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है, जिसके तहत देश में अब सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। साथ ही रेलवे अपने सभी स्टेशन्स पर कुल्हड़ की व्यवस्था फिर से शुरू करने वाला है। हाल ही में व्यापार में एक अच्छा उदाहरण पेश करते हुए आनंद महिंद्रा ने अपने ऑफिसेज में प्लास्टिक की बॉटल्स का प्रयोग बंद करवा दिया है। प्लास्टिक की इस समस्या से निपटने के लिए मुंबई में रीथिंक प्लास्टिक नाम से एक अभियान के जरिए प्लास्टिक के प्रभावों के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो आप भी जागरूक बनिए और अपनी लाइफ से इस जहर को दूर रखिए। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमें फॉलो जरूर करें।